चोर जो होते हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं, हम उससे भी बड़े काम करते हैं। जैसे कि हम चोर हैं और बदनाम होते हैं और हम सोचते हैं कि उनमें से कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन सोसाइटी जो है हमें जीने नहीं देती, तो कई बार सोसाइटी भी ब्लेम हो जाती है, तो हम लोग अपने रास्ते पर वापस आते हैं, इसलिए हम सुपर चोर। मुझे चोरी करने में मज़ा आता है। सब चोरी कर सकती हैं। आई थिंक दिस वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म रादर देन द नॉर्मल फिल्म्स। इट हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन एंड वी कुड शूट एंड हैव फन ऑल टुगेदर। जैसे लोग चोर बने हैं, मुझे चोरों को पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है, एकदम सफाई से जिन्हें पता नहीं चले कि मैं पकड़ रही हूँ। ये चोरों के भी ये हैं, चोर भी पकड़ती चोरों के दिल को। ये सुपर चोर हैं, हम तो चोर हैं सिर्फ। ये चोरों के दिल भी, ये हमारी जो चोरी करने की जो भावना है, जो टैलेंट है, उसको एनहांस करते हैं। सीरियसली इनका किरदार ही ये है कि जो हम चोरी करते हैं कि उसको और ज़्यादा एनहांस करते हैं, और ज़्यादा उसमें ग्रोथ पैदा करते हैं, और हम और बड़े चोर बनते हैं, तो हम सुपर चोर बनते हैं। सीरियसली आप देखा, चोरों को स्टार्स बनाने का काम है मेरा। नो, मैं तो बहुत ही, मतलब इतना चिल तो मैं कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये सारे एक्टर, ये ब्रह्मा हैं, ये प्रिया हैं, वो पारू हैं, या मेघ हैं, अपने जगत भाई हैं, इनकी वजह से, आलोक की वजह से मुझे यहाँ पे इस फिल्म में कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि मैं इतना बड़ा, वो देख रहे हैं आप, मैं इतना हंस रहा हूँ, इतना इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने संभाली हुई ये फिल्म। ये एक्टर हैं फिल्म के, असली हीरो ये हैं। मेरा सिर्फ नाम है थोड़ा सा, बस हल्का सा, और कुछ जी, मतलब ऐसा था कि अभी तक तो कहीं भी रोल करते थे, तो जैसे ही रोल ख़त्म हुआ तो 5 दिन बाद हमारा पैकअप हो जाता था, वहाँ शूट चलता रहता था। अरे अभी तक चल रही है, तो मतलब 5 दिन में हमारा पैकअप हो जाता था, इतने रोल होते थे। अब ये रोल है, इसमें पूरा 1 महीना रोज़ रिक्वायरमेंट हो रही है, रोज़ उठना है, तो एक डिसिप्लिन भी हो जाता है। अरे यार 30 दिन से मैं लगातार शूट कर रहा हूँ, पच नहीं रही बात, तो लगता है यार तुम सवाल करो भाई, मैं अपने ऊपर डाउट हो जाता है, क्योंकि अपना यही रहता है कि 5-6 सीन होंगे तो निकाल लेंगे, अभी तक ये चलता था। और पूरी फिल्म में मैं हूँ, तो इसीलिए संभाल रहे, तो इन सब दोस्तों ने संभाला है, और बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि राजेश ने मुझे इतना बड़ा रोल दिया, एंड इतना बड़ा विश्वास जताया मुझ पर, कि और प्रोड्यूसर साहब ने और डिस्ट्रीब्यूटर साहब ने, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। कॉमेडी तो है, अगली 2 फिल्मों में और है, इसके बाद 2 फिल्में और आ रही है मेरी, तो उनमें भी एक अलग अलग तरह की कॉमेडी है, एक में थोड़ा डार्क कॉमेडी है, एक में कुछ और कॉमेडी, एक सटायरिकल कॉमेडी है, तो इस तरह से है।